हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको प्लेटिना बाइक का फ्रंट व्हील सर्विस के साथ साथ इसके ब्रेक शू जो है इसको चेंज करके दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लेना ताकि आने वाले वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले व्हील को खोलने के लिए ये वाला जो बोल्ट है इसको 17 नंबर की चाबी से खोल लेना है और साथ साथ में ये जो है बोल्ट ये 14 नंबर की चाबी से खोल लेना है। इसको यहाँ पर रखने से क्या है फायदा कि बाइक गिरने का कोई चांसेस जो है वो भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो ये बोल्ट है छोटा सा, इसको भी ओपन कर लेना है क्योंकि इसको हमें पूरी तरह से अच्छे से सर्विस ही जब करना है तो खोलना तो ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है 8 नंबर का बोल्ट है, जब तक ये पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा तब तक तो समझो कि कुछ होने वाला ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो ये ब्रेक शू है दोनों उसको हटा लेना है। तो इसको हटा लेने के लिए ये सिंपल है, इस प्रकार से वो करके इसको निकाल लेना है ताकि क्या इसको साफ करने में कोई दिक्कत ना हो। और साफ तो हम आपको पता ही है, पहले तो इसमें टारपिन ऑयल से साफ करेंगे। तो टारपिन ऑयल जो है इसमें निकाल लेते हैं। अभी ये बोतल में इस प्रकार का ढक्कन आया है, थोड़ा सा निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, जैसे आप साफ करते हैं वैसे ही करना है। और इसे साफ करने में अच्छा रहता है कि कोई चीज़ को खराब नहीं करता है। इसको वापस इसमें ही डालते जाएंगे इस प्रकार से ताकि वापस हमें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस प्रकार से इसको
साफ कर लेना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मुझे बार बार जो है पुश करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी दोपहर का एक बज चुका है तो मुझे अभी खाने का बाकी है। बाकी आप देख सकते हैं घर वाले जो है बैठ चुके हैं। ये जो है इस साइड का ऑयल सील है जो यहाँ पर ऐसे बैठ जाता है, और इसके ऊपर ये वाला जो कैप है ये इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाता है। तो इन दोनों को जो है पेट्रोल से या मिट्टी के तेल से या फिर डीजल से, तीनों में से कोई भी से एक से क्लीन कर लेना है। तो मेरे पास मिट्टी का तेल तो नहीं है, टर्पिन ऑयल है और जो है पेट्रोल है। तो चलिए पेट्रोल से ही क्लीन कर लेते हैं। साफ सफाई ही महत्व है, बाकी आप कोई भी काम करो अगर साफ सफाई सही नहीं रहेगी तो काम का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अभी इसे साबुन और पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे। अभी इसका ये जो ब्रेक वाला ड्रम है इसके अंदर ये वाला जो रिगमाल पेपर है इससे रगड़ाई करेंगे ताकि ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो दोस्तों सबसे पहले हम व्हील की बेयरिंग को ग्रीस करेंगे और ग्रीस करने के लिए ये मार्केट में जो चिपिया मिलता है ये ले आना है। और ये कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है, सिर्फ 20 रुपया का मिलता है। इसका जो नोच है ये आगे वाला, ये इसके सील को निकालने में बहुत अच्छा काम आता है। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस जो है आपको दिखाता हूँ। इसकी नोच जो है इसको इसके अंदर है, एक तरफ से घुसेड़ना है। ये निकल चुकी है, तो ये जो ग्रीस है हमारा पूरा निकल चुका है और अभी इसमें नया ग्रीस जो है हम ऐड कर देंगे। और अब जो हमने इसका ऑयल सील निकाला था ये वाला, इसको लगा देना है। और ये रबर का होता है, आसानी से निकल जाता है। अगर थोड़ा बेंड हो जाता है तो इसको आपको क्या करना है, हैमर से थोड़ा सा पीट के सीधा कर लेना है, तो ये आ जाएगा। पूरे बैठ चुका है, अभी कपड़े से क्लीन कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों तरफ का हम लगा लेंगे। वैसे वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए हम आपको एक ही तरफ का दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ की बेयरिंग का ग्रीस जो है वो लग चुका है और इसका ये जो वाला ऑयल सील है इसको भी लगा देते हैं। तो इसको सिंपल इस प्रकार से सिर्फ प्रेस ही करना है हाथ से। और इसके बाद इसका जो ये वाला कैप है इसको इसमें बिठा देंगे, तो ये बैठ चुका है। और अब जो हमारी बाइक का व्हील प्लेट है इसका अंदर का जो गियर है इसको हमें लगाना है। तो इसको लगाने के लिए ए वाला जो इसका गियर है इसके दोनों तरफ में छोटे छोटे ए वाले वॉशर जो है दोनों साइड में लगे हुए हैं। तो इसको इस प्रकार से ऐसे एक साइड में लग गया है, अभी जो है हमें दूसरी साइड में लगाना है। तो इस प्रकार से दोनों साइड में वॉशर लगा लेना है और इसके बाद जो ये व्हील प्लेट है इसको अंदर से साफ करने के लिए जो कान के अंदर स्टिक होती है, ये प्रकार की कान को साफ करने वाली, इसको इसके अंदर ऐसे डाल के इसको अंदर से हिलाकर साफ कर लेना है। और इसके बाद ये वाला जो है इसके छेद में भी ये धीरे से अंदर डाल के स्टिक को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गंदगी ना रहे। और इसके बाद इसमें हमें इस प्रकार से थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल देना है वॉल में। और इसके बाद ये वाला जो गियर है ये इसको आहिस्ता से बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पर डाल देना है। तो आप देख सकते हैं गियर जो है हमारा यहाँ पर लग चुका है। और इसके बाद इसमें भी हमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना है वरना बाहर आएगा। और इसके बाद यहाँ से इसको इस प्रकार से आपको सेंटर देखना है। थोड़ा सा मेरा कैमरा को फोकस कर लेता हूँ, तो ये जो है हमारा आ चुका है। और यहाँ से थोड़ा सा लकड़ी का गुटका रख के इसके ऊपर थोड़ा ठोकेंगे तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ऐसा कोई लकड़ी लेके इसके ऊपर इस प्रकार से ठोक लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक
बैठ चुका है। इसके बाद यहाँ का इसका पत्ती होता है लॉक का, वो हमें लगा लेना है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो इसका पत्ती है, इसको हमें यहाँ पर इस प्रकार से लगाकर इसका ये छोटा सा एक बोल्ट है, इसको यहाँ पर लगा लेना है। और कोई भी बोल्ट को लगाने से पहले इसका जो चूड़ी होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ना, तो ये कभी भी जब आपको वापस निकालना है तो ज़्यादा कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और इसके अंदर फोरपेल का जो है स्क्रू ड्राइवर, लग जाता है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि टूट जाए। तो आप देख सकते हैं जो वाला है लग चुका है पत्ती। और अब जो है इसका अंदर का ये वाला गियर है, इसको हमें इसमें लगाना है। तो इसकी दोनों साइड में, यहाँ पर और अंदर की साइड में, ऊपर की साइड में थोड़ा ज़्यादा ग्रीस लगाना है और अंदर की साइड में बिल्कुल कम लगाना है। और इसका अंदर का जो ये वाला गियर है, इसको भी ग्रीस लगा लेना है। तो चलिए हम दोनों को ग्रीस जो है अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो अंदर में लगाएंगे, इसको घुमाते जाना पड़ेगा एक हाथ से, और इसको थोड़ा सा इस तरफ से भी लगा देंगे। और ये जो अंदर है इसमें भी ग्रीस लगा लेना है। वैसे ऑयल भी लगाऊंगे तो अंदर की साइड चलेगा, मगर ऑयल ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है ग्रीस का ही इस्तेमाल करते हैं। अंदर तो कोई आने वाला है नहीं इसमें, तो ग्रीस ही लगा देते हैं। और इसकी ऊपर की साइड में तो आपको पता ही है ग्रीस लगाना ही है। ये जो है इसको ग्रीस लगाने से क्या है कि इसका लाइफ जो है बढ़ जाता है। ज़्यादातर बाइक में ये वाला जो गियर है वो ख़राब होता है, इसका रीज़न यही होता है। इसमें कभी कोई ग्रीस करता ही नहीं है, इसीलिए जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको टाइम पर जब भी व्हील आप आगे का खोले तो इसको ग्रीस जो है वो किया करे। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम आपको पूरा कंप्लीट जो है दिखा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बारीकी से दिखाने में यही प्रॉब्लम होता है, वीडियो जो था थोड़ा लंबा हो जाता है। और अभी वाला जो गियर है इसको हम धीरे से इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। और एक बार इसको घुमा लेना है, घुमाएंगे तो ये बिल्कुल अपनी सीट पर जो है आ जाएगा। तो चलिए अब का इसका जो गियर है वो आप देख सकते हैं लग चुका है। तो अब हमें इसमें ये बजाज का जो जेन्युइन ब्रेक शू है, जिसको हम अपनी सादी भाषा में ब्रेक पट्टा कहते हैं, ये वाला बजाज का लगाना है। और ये जो हमें मार्केट में है, दो पेयर जो है 360 रुपया का मिला था, यानी जो है एक पेयर जो है वो 180 रुपया का हमें पड़ा। तो चलिए इसको अभी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कैंची से काट लेना है और इसके अंदर से ये वाला जो जेन्युइन ब्रेक शू है वो निकाल लेना है। और इसका क्वालिटी जो है आप देख सकते हैं, इसका क्वालिटी जो है बहुत ही फाइन होता है। कभी भी आप अपनी बाइक में जब भी आपको ब्रेक पट्टा चेंज करना का होता है तो कभी भी आप लोकल पट्टा जो है इसका इस्तेमाल ना करें। और ये इतना महंगा भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपये का ही फर्क होता है जेन्युइन में और डुप्लीकेट में। तो इसका जो पुराना वाला स्प्रिंग है वो हमें इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नया स्प्रिंग हमें साथ में नहीं मिलता है। तो ये इसका स्प्रिंग है,
जिसको हमने अच्छे से पेट्रोल और डीजल से वॉश कर लिया है ताकि इसमें कभी जंग ना लगे। तो दोनों स्प्रिंग जो है इस प्रकार से अंदर डाल लेनी है और इसके बाद ये वाला जो है इसको इस प्रकार से पकड़कर इसमें इस प्रकार से डाल देना है। वैसे ही बिल्कुल है, इसको भी करना है। कभी कभी क्या है कि एक हाथ से थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये लग चुका है आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसको इस प्रकार से जोड़ लेना है और अभी इसको लगाना बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कारीगरी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये जो है इसको इसका एरो जो है ये अंदर की साइड में होना चाहिए, ध्यान रहे कभी बाहर की साइड में नहीं होना चाहिए। वैसे तो होता नहीं है, मगर कोई बाय चांस अगर आपने इसको खोल दिया है तो ये उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एरो का मार्क है जो अंदर की साइड में होना चाहिए। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल, ज़्यादा तो नहीं लगाना है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा लगा ले ताकि अंदर चला जाए। और इसके बाद इसको इस प्रकार से दोनों को ऐसे रखना है, स्प्रिंग ऐसे आना चाहिए। और इसके बाद जो है ये लग चुका है, बिल्कुल लगाना आसान है, ज़्यादा कोई इसमें झंझट वाली कारीगरी नहीं है, ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है। आपने देखा बिल्कुल आसानी से लग चुका है। तो दोस्तों, ड्रम प्लेट को ड्रम में लगाने से पहले इसका ये वाला जो गियर है ये इसके स्लॉट में, यहाँ पर इसके स्लॉट में आना चाहिए। अगर ये स्लॉट में नहीं आएगा तो इसका जो ये वाला गियर है ये टूट जाएगा। तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, अगर ऐसा लगे तो आपको इस प्रकार से घुमा लेना है और इसको बिल्कुल अलाइन करके इस प्रकार से आमने सामने लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी सही तरीके से लग चुका है। तो इस प्रकार से आपको खास बात का ध्यान रखकर ही लगाना है, ऐसे ही लगा दोगे तो आपका गियर जो है वो वहीं पर टूट जाएगा और आपका गियर पूरा जो है नया ला के इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। व्हील को फ्रंट फॉर्क में लगाने से पहले हमें एक्सल जो है लगानी होती है, और एक्सल जो है लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो अप्लाई कर लेना अच्छा है, क्योंकि जो है एक्सल कभी सीज नहीं होगी। और इतना सा एक्सल अंदर डाल के जो व्हील है इसको हमें अलाइन करके एक्सल को धकेलना होता है। तो एक्सल जो है हमारी बिल्कुल इस तरफ बाहर आ चुकी है, तो इस तरफ अभी हम इसका नट जो है वो लगाएंगे। सबसे पहले ये वाला जो वॉशर है इसको रखेंगे और फिर जो इसका नट है इसको सत्रह नंबर की चाबी से अच्छे से कस लेंगे। ध्यान रखना इतना भी नहीं कसना है, एक ध्यान रखना है कि लूज नहीं रहना चाहिए, रास्ते में कहीं खुलना नहीं चाहिए, वरना क्या होता है कि एल्यूमिनियम का फर्क होता है और इस बीच में से खाली होता है। ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। बस इतना सा ही इसको टाइट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो नट होता है वो ऐसे भी लॉक वाला नट होता है, वैसे जैसे वैसे तो निकलता नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर जो मीटर का चेन लगता है
इसको भी हमें अलाइन करना होता है। इसका ये जो आप बीच वाला स्लॉट देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आमने सामने देखकर जो है इसको घुमाना पड़ता है। एक हाथ से जैसे आप घुमाओगे तो ये घूमेगा, वैसे ही बिल्कुल इसके सामने ले आना है और इसके बाद इसको इस प्रकार से अलाइन करके लगा लेना है। और यहाँ पर जो है 8 नंबर का बोल्ट होता है, इसको लगा लेना है। और कोई भी बोल्ट को लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे तो फिर से जब भी खोलना होगा तो आराम से खुल जाएगा। और इसको भी इतना टाइट नहीं करना है क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है वो फाइबर का बना हुआ है, वरना टूट सकता है। और इसको लगाने के बाद इसका जो ब्रेक केबल है इसको हम लगा देते हैं। तो इसको लगाना बिल्कुल आसान है, इसके अंदर इसको इस प्रकार से अलाइन कर लेना है। और इसके बाद इसका ये वाला जो स्प्रिंग है इसमें पूर कर लेना है। और इसके बाद स्प्रिंग के ऊपर जो इसका है बूट लगता है, बाद में इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद इसका जो ये सेक्शन है ये वाला, जिसको हम लोग मक्खी बोलते हैं, वो जो है यहाँ पर लगा लेनी है। और मक्खी को लगाने के बाद केबल जो है इसके अंदर डाल देना है। और इसका ये वाला जो बोल्ट है ब्रेक सेटिंग का, जिससे ब्रेक हमारा टिका रहता है और केबल जो है इसके ऊपर ही रहता है। इसमें भी कोई बड़ा साइंस नहीं है, ये भी मामूली काम है। और ब्रेक को देखते रहना है, इतना भी टाइट नहीं करना है। फिलहाल तो क्या है कि इसमें ब्रेक शू नए हैं तो थोड़े दिन तो ये व्हील जो है थोड़ा सा हार्ड रहेगा, बाद में अपने आप 1-2 दिन में फ्री हो जाएगा। क्या है कि इसका ब्रेक शू जो है अपनी जगह बना लेता है और इतना जो वेयर होके घिस जाता है तो अपने आप ही सेटिंग में आ जाता है। तो अभी हमारा ब्रेक जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ घुमाकर। सिर्फ यहाँ से ही पुश करने पर ब्रेक जो है हमारा काम कर रहा है। तो अभी हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना सा ही, हम आपको इतना सा ही बताना चाहते थे कि किस प्रकार से अपने हाथ से खुद अपने घर पर कोई भी बाइक हो इसका व्हील किस प्रकार से सर्विस कर सकते हैं और इसका ब्रेक शू जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना याद दोस्तों संदेश।